हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे होंगे तो इस समय हम बलों के वियोजन एवं संयोजन से संबंधित तथ्यों को देख रहे हैं और हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। चैप्टर की समाप्ति पर जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कराएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है चार न्यूटन तथा तीन न्यूटन के दो बल एक कण पर थीटा कोण पर कार्य कर रहे हैं। सूत्र की सहायता से परिणामी बल ज्ञात कीजिए, जबकि थीटा का मान 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री है। तो इस तरह से आपको चार न्यूटन एवं तीन न्यूटन के दो बल एक कण पर लगे हैं, इन बलों का परिणामी सूत्र की सहायता से ज्ञात कीजिए, जबकि उनके बीच का कोण 1 0 डिग्री, 2 90 डिग्री और 3 180 डिग्री। ये दोनों बलों के बीच का कोण है। तो आप पढ़ चुके हैं बलों के संयोजन में कि दो बलों का परिणामी यदि R हो तो उस R का परिमाण जो होता है वो अंडर रूट में होता है पहले बल का परिमाण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, जहां A पहले बल का परिमाण है, बी दूसरे बल का परिमाण है और थीटा दोनों बलों के बीच का कोण है। तो आपके पास इस फॉर्मूले में रखने के लिए पहला बल ए दिया हुआ है 4 न्यूटन और दूसरा बल बी दिया हुआ 3 न्यूटन और दोनों के बीच का कोण थीटा दिया हुआ है 0, 90 एंड 180। सो आर इक्वल टू आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस 4 × 3 ट्वाइस इंटू 4 × 3 इंटू कॉस 0। पहले के क्या हो जाता है, आर इक्वल टू अंडर रूट 16 + 9 + 20 = 48, 2 × 4 = 8 = 24। ये हो जाता है आपके पास आर इक्वल टू क्या 25 + 24 यानी अंडर रूट में 49, तो आर इक्वल टू हो जाता है 7 न्यूटन। ये पहला आंसर हो गया। वैसे भी आप देखेंगे कि ये कण है, इसी पर 4 न्यूटन के बल, इसी पर 3 न्यूटन के बल, दोनों के बीच का कोण 0 है, यानी दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस कण पर परिणामी जो होगा 4 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 7 न्यूटन। ये पहला सवाल हुआ हमारा। दूसरा सवाल इसी में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू या आर इक्वल टू अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 3 × cos 90 और cos 90 का मान आप जानते हैं 0 होता है। ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा,
क्या बचेगा हमारे पास, आर इक्वल टू अंडर रूट फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, या कह लें कि आर इक्वल टू नाइन प्लस सॉरी 16 प्लस नाइन इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट में 25, और हल करेंगे तो क्या जाएगा 5 न्यूटन। ये हमारा आर का मान तब होगा जब दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। इसी में तीसरा जो सवाल हमारा, दोनों के बीच का कोण 180 है, तो फिर आप लिखेंगे कि आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर फोर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए फोर इंटू बी थ्री इंटू कॉस 180। क्या हो जाता है यहां से, आर इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 180 माइनस 1। क्या हो जाता है, आर इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 24। क्या हो जाता है, आर इक्वल टू अंडर रूट 1, या कह लें आर इक्वल टू 1 न्यूटन। ये हमारा हो जाता है यदि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के बीच का कोण 180 हो, यानी एक कड़ है इस पर एक बल 4 न्यूटन का लग रहा है, दूसरा बल 3 न्यूटन का लग रहा है, दोनों बलों के बीच का कोण 180 है, तो जो बल हावी होगा वही बल की दिशा होगी, और दोनों का अंतर जो होगा परिणामी होगा, तो 4 माइनस 3 कर देंगे 1 न्यूटन परिणामी आएगा, और दिशा हो जाएगी वो जो 4 न्यूटन का बल है, जो अधिक न्यूटन का बल है वो दिशा में परिणामी हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, और वहाँ से आप फिगर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा, आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8 न्यूटन एवं 7 न्यूटन के दो बलों का परिणामी 13 न्यूटन, दोनों बलों के बीच का कोण क्या होगा, दोनों बलों के बीच का कोण क्या होगा, दोनों बलों के बीच का कोण क्या होगा। फिर वही फार्मूला लगाते हैं, दो बल है 8 न्यूटन और 7 न्यूटन के, इनका परिणामी 13 न्यूटन है, तो फार्मूला अगर देखें तो लिखते हैं सॉल्यूशन में, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और आर का मान आपके पास दिया हुआ 13 न्यूटन, तो लिखेंगे 13 बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 × 8 × 7 इंटू कॉस थीटा। यहाँ से हमारे पास आता है 169, स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाता है 64 प्लस 49 प्लस 112 कॉस थीटा, ये हो जाता है 169 माइनस 4 9 3 13 6 4 10 11 इक्वल टू 112 कॉस थीटा, ये हो जाता है 9 3 6, और ये हो जाता है इक्वल टू 112 कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है 56/112, ये हो जाता है 1/2, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू हो जाता है 60 डिग्री, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह से हम दो बल दिए हैं, उनका परिणामी दिया हुआ है, तो इस फार्मूले में लगा करके हम थीटा का मान निकाल सकते हैं कि दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो आइए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। किसी बिंदु पर 12 न्यूटन एवं 9 न्यूटन के दो बल एक दूसरे के लंबवत कार्य कर रहे हैं, किसी बिंदु पर 12 न्यूटन एवं 9 न्यूटन के दो बल एक दूसरे के लंबवत कार्य कर रहे हैं, इन बलों का परिणामी ज्ञात कीजिए, साथ ही
इनके परिणामी बल को आरेख खींचकर दिखाइए तथा उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। तो क्या हो गया, किसी बिंदु पर बारह न्यूटन एवं 9 न्यूटन के बल लंबवत कार्य कर रहे हैं, इनका परिणामी ज्ञात कीजिए तथा बेल आरेख, बेल आरेख मतलब वेक्टर आरेख के द्वारा परिणामी की दिशा बताइए। तो सबसे पहले हम इसका परिणामी निकाल लेते हैं। आर तो हम जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत का मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हो जाता है आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 12 इंटू 99 प्लस ट्वाइस इंटू 12 इंटू 9 इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या हो जाता है 0। तो यहां से हो जाता है आर इक्वल टू 144 प्लस 81 और ये हो जाता है हमारा आर इक्वल टू 15 न्यूटन। तो ये हमारा परिणाम हो गया। आप बेल आरेख अगर खींच रहे हैं तो एक बिंदु है उस पर एक बल इस दिशा में लग रहा और दूसरा बल इस दिशा में लग रहा, दोनों एक दूसरे के लगभग लग रहे हैं। तो अगर इस दिशा को देखा जाए ये दिशा हो गई, अगर पहले बल को हम 12 न्यूटन का जो है उसको एक्स अक्ष के अनुदिश मान लें तो ये हमारा 12 न्यूटन का बल होगा, और वाई अक्ष के अनुदिश अगर 9 न्यूटन का माने तो वाई अक्ष की तरफ क्या हो जाएगा 9 न्यूटन हो जाएगा। तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस की तरफ 12 न्यूटन ये और वाई एक्सिस की तरफ 9 न्यूटन। तो जो परिणाम होगा अगर हम इस 12 न्यूटन के बल को 9 न्यूटन के बल को समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा बना लें और आसन्न भुजा बना करके इस समांतर चतुर्भुज को हम पूरा कर दें, ये 12 न्यूटन का बल एक भुजा हो गया, 9 न्यूटन का बल दूसरी भुजा हो गया, और इन दोनों भुजाओं को आसन्न भुजा बना करके हमने समांतर चतुर्भुज खींच दिया और इन दोनों बलों के उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाने वाला जो विकर्ण होगा वही विकर्ण क्या हो जाएगा इनका परिणामी हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और दोनों के बीच का कोण या परिणामी का कोण अगर आपको देखना है, परिणामी की दिशा देखनी है द्वारा परिणामी की दिशा, तो इस 12 न्यूटन के बल के साथ अगर थीटा अंश का कोण बना रहा तो हम लिख सकते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू 9/12, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, और परपेंडिकुलर ये 9 न्यूटन और बेस ये 12 न्यूटन, क्या हो जाएगा टैन थीटा इक्वल टू 3/4 या कह लें कि थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स 3/4। ये हमारा दोनों के बीच का ये परिणामी का 12 न्यूटन के बल के साथ कोण रहा, तो ये हमारी परिणामी बल की दिशा हो गई। तो इस तरह से आप किसी किन्हीं दो बलों के परिणामी की दिशा को आप बेल आरेख के आधार पर निकाल सकते हैं। और अगर यहां से निकालना हो तो आप आर के परिणाम परिमाण को निकालिए और दिशा को निकालने के लिए लिखते हैं
परिणामी आर की दिशा बराबर टैन इनवर्स बी अपान ई। ए के साथ आर की दिशा अगर देखनी हो तो टैन इनवर्स बी अपान ए लिखेंगे, या टैन इनवर्स लिखेंगे नाइन अपान ट्वेल्व, या नाइन अपान ट्वेल्व को लिखेंगे थ्री अपान फोर, तो टैन इनवर्स थ्री अपान फोर यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी आ गया। तो जो आपको उचित लगे उसको करिए, लेकिन आपके सवाल में बेन आरेख के माध्यम से पूछा गया है तो बेन आरेख के माध्यम से आप यहाँ से बताएंगे। चौथा सवाल है, एक बिंदु पर 10 न्यूटन का बल 36 से 30 अंश के कोण पर लग रहा, ये हमारी क्षैतिज दिशा मानी जाती है। इस क्षैतिज दिशा से 30 अंश के कोण पर एक बल लग रहा है जिसका मान है 10 न्यूटन। अगर इस बल को इस वेक्टर ए से दिखाया जाए या कह लें कि ये बल एफ है, इसका परिमाण कितना है 10 न्यूटन, और ये एंगल क्षैतिज से कितना बनाता है 30 डिग्री। तो इस बल का क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्व घटक ज्ञात करना है। तो इस बल के शीर्ष से इस क्षैतिज लाइन पर हम अभिलंब खींचते हैं और ऊर्ध्व घटक निकालना है, तो इस ऊर्ध्व लाइन पर भी हम इस तरह से खींच देते हैं। और ये जो यहां से यहां तक का बल होगा वो क्षैतिज घटक होगा, और यहां से यहां तक का जो बल होगा वो ऊर्ध्व घटक होगा। तो ये हो गया हमारा ऊर्ध्व घटक Q, और ये हो गया क्षैतिज घटक P। तो P इक्वल टू आप लिखते हैं या कह लें कि क्षैतिज घटक अगर P है तो P बटा 10 न्यूटन, यानी ये आधार बटे हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है कॉस 30, या कह लें कि पी बराबर 10 इंटू कॉस 30, या कह लें कि पी बराबर 10 इंटू अंडर रूट 3 बाई 2, या कह लें कि 5 इंटू अंडर रूट 3 क्या न्यूटन। ये हो गया हमारा क्षैतिज घटक। और ऊर्ध्वाधर घटक को आप लिखते हैं अगर क्यू है तो ये इसको हम क्यू लिख रहे हैं, तो क्यू लंब बटे कर्ण, या कह लें कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, क्या लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन टेन, या कह लें कि क्यू इक्वल टू टेन साइन 30, या कह लें कि टेन इंटू वन अपॉन टू यानी 5 न्यूटन। तो क्षैतिज घटक पी इक्वल टू हो गया 5√3 न्यूटन, ऊर्ध्वाधर घटक क्यू इक्वल टू हो गया 5 न्यूटन। तो इस तरह से आप क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए वेक्टर को खींचेंगे, क्षैतिज से वो 30 डिग्री की एंगल पर है तो इसको खींच दिए, इसका परिमाण ले लिए और इसके शीर्ष से क्षैतिज लाइन पर एक परपेंडिकुलर खींच दिए और ऊर्ध्वाधर लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर खींच दिए, तो ये जो मान होगा वो क्षैतिज घटक होगा, ये जो मान होगा वो ऊर्ध्वाधर घटक होगा। अगर ये हाइपोटेनियस 10 न्यूटन है तो आप आधार निकाल सकते हैं कॉस थीटा के हिसाब से और लंब निकाल सकते हैं साइन थीटा के हिसाब से। तो जैसे कि हम यहाँ पर निकाले हैं तो क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक को आप पी एवं क्यू के रूप में मान करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सवाल है ये आपके पास पांचवा, उत्तर तथा पूर्व के बीच हवा चल रही है, यदि वायु के वेग का उत्तरी अवयव हवा के वेग का उत्तरी अवयव हवा के वेग का उत्तरी अवयव 5 किमी प्रति घंटा तथा पूर्वी अवयव 12 किमी प्रति घंटा है तो हवा का संपूर्ण वेग ज्ञात कीजिए। और क्या पूछा गया है, तथा वायु के वेग की दिशा पूर्व से
तथा वायु के वेग की दिशा पूर्व से जो कोण बनाती है उस कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल। तो इसको हम पहले पूरब इधर दिखाते हैं और उत्तर इधर दिखाते हैं, दक्षिण नीचे पश्चिम इधर। तो जो पूरब की ओर का घटक है वो 12 की हम परावर्त है, तो इधर हम 12 के अंपर आवर्त मान लेते हैं, यहां तक है। ये हमारा हो गया पूरब की ओर का घटक, और 5 के अंपर आवर्त है, ये हमारा उत्तर की ओर का घटक है। यानी कह ले कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी। इन दोनों का परिणामी अगर निकाल दे तो यही संपूर्ण वेग होगा। घटक वेग दिए हुए हैं, संपूर्ण वेग निकालना है। जैसे कोई वेक्टर का घटक दिया हुआ हो उस वेक्टर को निकालना हो, उसी प्रकार से इस वायु के घटक वेग दिए हुए हैं, कंपोनेंट वेग दिए हुए हैं, उस वायु के पूरे वेग को निकालना है। तो आप पूरे वेग को निकालने के लिए, परिणामी वेग को निकालने के लिए इन दोनों घटकों को समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा बना लीजिए और इन दोनों भुजाओं से आप एक समांतर चतुर्भुज खींच दीजिए। तो समांतर चतुर्भुज खींचने के लिए यहाँ से इसके समानांतर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से इस लाइन के समानांतर लाइन खींचेंगे। ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज, और इस उभयनिष्ठ बिंदु से समांतर चतुर्भुज का विकर्ण आप खींच दीजिए। ये हमारा विकर्ण हो गया। इसी परिणामी को आपको बताना है। तो अगर ए का मान 12 के एम पर आवर और बी का मान 5 के एम पर आवर है तो परिणामी क्या हो जाएगा? परिणामी हाइपोटेनियस होगा, ये बेस है और ये 5 के एम पर आवर इधर भी हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो रिजल्टेंट हाइपोटेनियस क्या होगा? आर इक्वल टू आप लिखते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और थीटा का मान आपके पास है 90 डिग्री। दोनों के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण 90 डिग्री है। क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस 90, और ये कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या बच के आएगा हमारे पास? आर इक्वल टू अंडर रूट में 144 प्लस 25, और ये हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 13 के एम पर आवर। और यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालें, ये कोण परिणामी का पूरब के साथ का कोण निकालें, तो साइन थीटा इक्वल टू लिखते हैं परपेंडिकुलर 5 बटे हाइपोटेनियस 30, तो क्या हो जाता है? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 5/30। ये हमारा आंसर बन के आता है, या साइन थीटा ही आपसे पूछा गया तो साइन थीटा इक्वल टू 5/30 निकाल लीजिए। कोण का ज्या साइन पूछा गया है, साइन इक्वल टू 5/30 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये 5वां क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आगे आपका अगला चैप्टर शुरू होगा। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और साथ ही आज का जो न्यूमेरिकल है वो भी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो क्लिप आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसी तरह के तथ्य और इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बीच हमारा पहुंचता रहे। आगे आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में होगा। धन्यवाद।